हाय एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे एकदम नए तरीके के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसे हम बहुत ही कम समय में सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। और आप इस नाश्ता को बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, सुबह शाम के नाश्ता में खा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो देर किस बात की, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 कप भिगोया हुआ चना लिए हैं। चना को पहले से भिगोकर रखे हुए थे, इसको हम मिक्सर जार में डाल दिए हैं और जार के ढक्कन बंद करके इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, चना को हम पीस कर ले आए हैं, और इसे पीसने के समय इसमें हम 3 चम्मच पानी डाले थे। तो पीसने के समय आप ज़रूरत के अनुसार से इसमें पानी डालिएगा, यानी कि जितना पानी के ज़रूरी होगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी डालिएगा। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पीस गया है। तो अब हम इस पेस्ट को एक बड़े से बाउल में या किसी भी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस चना के पेस्ट को हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो अभी इसको हम साइड में रख देंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे 1 मीडियम साइज के कच्चा आलू। आलू के छिलका निकाल लिए थे और इसको अच्छे से धुल लिए थे। और अब हम इस आलू को एक ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम मीडियम छेद वाले ग्रेटर लिए हैं। तो यहाँ पर ना, आप इसे ग्रेट करने के लिए मीडियम छेद वाले या बारीक छेद वाले ग्रेटर की यूज कीजिएगा, मोटे छेद वाले ग्रेटर के यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें आलू के लच्छे बारीक चाहिए। तो ये देखिए, आलू को हम ग्रेट कर लिए हैं, और आपको मैं उठा कर दिखा रहे, आप देख सकते हैं आलू के लच्छे बारीक निकले हैं। तो इसी तरह के लच्छे हमें आलू के चाहिए। तो अब हम इस आलू के लच्छे को जो अभी ग्रेट किए हैं, इसको हम इस चने वाले पेस्ट में डाल लेंगे। जो चना के पेस्ट निकाल के रखे थे ना, उसी में हम इस आलू के लच्छे को डाल दिए हैं। और साथ में ही हम इसमें डाल लेंगे 1 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज, और इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। हरा मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच अदरक इसमें डाल दिए हैं ग्रेट किया हुआ। साथ में ही हम इसमें डाल दिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता, और इसी के साथ इसमें हम डाल दिए हैं स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। और 1/4 छोटा चम्मच इसमें डाल दिए हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम डाल दिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, यानी कि ब्लैक पेपर। इसी के साथ इसमें हम ऐड कर दिए हैं 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। और अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और इस मसाला का फ्लेवर इस पेस्ट में अच्छा से आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पर इसमें पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले पहले इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ज़रूरत लगेगा तो डालेंगे, क्योंकि हमें इस घोल को ना गाढ़ा रखना है, पतला नहीं करना है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़ा चम्मच चावल के आटा। चावल के आटा है तो डालिएगा, नहीं है तो इसके जगह पर आप इसमें गेहूं के आटा भी डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच जितना। और अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर इसे मिक्स करने के बाद आपको मैं उठाकर इसका कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसी तरह के घोल के कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, गाढ़ा, हमें घोल ज़्यादा पतला नहीं चाहिए इस रेसिपी के लिए। और इसमें हम अलग से पानी नहीं डाले हैं, पिसने के समय 3 चम्मच पानी डाले थे। तो घोल को लेकर अब हम आ गए हैं गैस के तरफ। गैस पर रख लिए हैं एक पैन, और इसमें डाल लिए हैं 2 छोटा चम्मच तेल। आप इससे भी कम तेल में चाहे तो इस नाश्ता को बना सकते हैं। तेल को पूरे पैन में फैला लिए हैं, और गैस के फ्लेम यहाँ पर हम लो रखे हैं, और तेल को गर्म होते ही इसमें थोड़ा सा उजला वाला तिल डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डाल लिए हैं 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें घोल जो अभी हम बनाए थे। घोल को इस तरह से चम्मच से हल्के हाथे फैला लेंगे, घोल को ज़्यादा नहीं फैलाइएगा, क्योंकि इस नाश्ता को हमें मोटा ही रखना है। और अब इसको हम ढक देंगे, और ढक कर इसे 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा लिए हैं, और आप देख सकते हैं ऊपर से ड्राई हो गया है।
तो अब हम इसको पलट लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये पलट गया है, बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपका है। और आप देख सकते हैं इस साइड बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इसको बिना ढके हुए दूसरे साइड हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। और आप देख सकते हैं दोनों साइड अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक इसको पका लिए हैं। तो नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सभी नाश्ता को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।